सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल में। आज क्लास फिफ्थ का हम 10th चैप्टर देखेंगे, लोहा कैसे बनता है। तो तुम अपने घर या कहाँ बाहर लोहे से बनी कई वस्तुओं को तुमने देखा होगा, है ना। लोहे से बनी वस्तुएं का नाम लिखना है यहाँ पे और उसके उपयोग लिखना है। जो लोहार होता है लोहे से कई वस्तुएं बनाता है, तुमने गाँव या कस्बे में लोहार को लोहे से वस्तुएं बनाते देखे होंगे। फिर रामसिंह के दिमाग में यह सवाल उठ रहा था कि रामसिंह ने यह सवाल अपने मामा से पूछा। रामसिंह ने मामा भूरी सी लोहे के कारखाने में काम करते, उन्होंने बताया कि लोहा कारखानों में बनता है। लोहा बनने से बनाने के लिए कच्चे माल की ज़रूरत होती है, यह कच्चा माल हमें खदानों से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है लोहा बनाने के लिए हमें कच्चे माल की आवश्यकता होती है, कच्चे माल हमें कहाँ से, खदानों से प्राप्त होता है, ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है। फिर छत्तीसगढ़ में कई जगह ऐसे हैं जहाँ लोहे की कच्चे लोहे की खदान है। कच्चे लोहे अधिक मात्रा में पाया जाता है तो कच्चे लोहे को लोहे का खनिज कहा जाता है। कच्चा लोहा जमीन के नीचे चट्टानों के रूप में पाया जाता है, इसे खोद कर निकाला जाता है। लोहे की चट्टानें दो तरह की होती है, एक तो लाल रंग की और एक तो काले भूरे रंग की। फिर आगे देखते हैं, लोहे की खनिज वाली चट्टानें बहुत मजबूत होती है, इसे तोड़ने के लिए बहुत से मजदूर दिन रात काम करते हैं। कच्चे लोहे की मजबूत चट्टानों को तोड़ने के लिए चट्टान में मशीन से छेद करके उन्हें बारूद भरा जाता है, फिर मजदूरों लोगों को वहां से हटाकर विस्फोट किया जाता है। और जब जमीन से बाहर निकले खनिजों को ट्रक ट्रैक्टर आदि से कारखाने ले जाया जाता है। क्या होता है जो लोहे होते हैं उसको पहले लोहे के जो खनिज होते हैं वो चट्टान वो बहुत मजबूत होते हैं, उनको कई सारे मजदूर दिन रात काम करके काम में लगे रहते हैं, उसको तोड़ते हैं, फिर वो विस्फोटक से बारूद से ब्लास्ट करके उसको निकालते हैं, फिर खदान वो कारखानों में उसको भेजते हैं। मानचित्र में देखो और शिक्षक की सहायता से लोहे की खनिज वाले जिलों और कारखाने वाले जिलों के नाम नीचे बनी तालिकाओं में लिखो। तो दोस्तों ये पूरा क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ का मैप है। यहाँ पे कई सारे जगह लोहे की कारखाने जैसे कोरबा हो गया, बिलासपुर, ये सब जो इधर वाले जो एरिया है रायपुर बलौदा बाजार, फिर ये नीचे बीजापुर दंतेवाड़ा बस्तर, ये सब जगह कांकेर, ये सब जगह लोहे की खदानें होती हैं। कारखाने ऐसी जगह होती है जहाँ सैकड़ों हजारों मजदूर और कर्मचारी दिन रात काम करते। कारखानों में एक या दो व्यक्ति नहीं बल्कि बहुत सारे हजारों व्यक्ति काम करते। एक कपड़े कारखाने में इतना कपड़ा बनता है कि एक दिन तुम्हारे गांव के सभी लोग के लिए कपड़ा बन जाएगा, फिर भी बहुत कपड़ा बच जाएगा। इसका मतलब है कि कारखाने एक ऐसी जगह होती है जहाँ बहुत बड़े पैमाने पर कई चीज़ें तैयार की जाती हैं। लोहे के कारखाने में रोज़ाना काफ़ी मात्रा में लोहा बनता है, इसके लिए कारखानों में कच्चे माल की ज़रूरत होती है। छत्तीसगढ़ में लोहे का एक विशाल कारखाना दुर्ग जिले भिलाई शहर में स्थित है। इस कारखाने में 55,000 लोग काम करते हैं। यह शिवनाथ नदी के पास भिलाई में बना हुआ इस कारखाने को चलता था। यहाँ काम करने वाले लोगों की ज़्यादा संख्या के कारण यह एक नगर का निर्माण हो गया। सबसे पहले कारखानों में खनिज के बड़े बड़े ढेलों को मशीन के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो कारखाने होते हैं वो रोज़ाना काफ़ी मात्रा में लोहा बनाते हैं, उसके लिए उन्हें रोज़ कच्चा माल मिलते रहता है, जिससे एक छत्तीसगढ़ में दुर्ग है जहाँ पे भिलाई शहर में स्थित है एक विशाल कारखाना। यहाँ पे 55,000 लोग काम करते हैं। इस शिवनाथ नदी से इसको पानी मिलती है और यहाँ काम करने वाले लोगों की ज़्यादा के कारण यहाँ पे एक नगर का निर्माण हो गया है। अब इनको अत्यधिक गर्म पत्थर के कोयले के साथ घूमने वाली भट्टी में खूब गलाया जाता है। भट्टी में खूब गर्म करने से खनिज में मौजूद अशुद्धियाँ जल निकल जाती है और ऊंची ऊंची चिमनों से धुएं के साथ ही बाहर निकल जाती है।
शुद्ध लोहा पिघल हुए रूप में आ जाता है। यह लोहा काफ़ी मुलायम होता है, इसी कारण इसको स्पंज लोहा कहते हैं। हम लोहे का उपयोग जिन कामों में करते हैं उसके लिए लोहे को मजबूत और कड़ा होना जरूरी है। सोचो यदि दीवार पर लगने वाले कील नरम हो तो क्या होगा, वो काम ही नहीं करेंगे, वो जल्दी टूट जाएंगे। तो स्पंज लोहे को मजबूत और कठोर बनाने के लिए इसमें कुछ और चीज़ें मिलाई जाती हैं, जैसे इसको मिलाने के बाद पूनी भट्टी में इतना गर्म किया जाता है कि वो पिघल जाए। अब इस लोहे का ठंडा किया जाता है, पिघले हुए लोहे को सांचे में ढालकर लोहे के सरिये, रेल की पटरी, रेल के पहियों आदि बनाए जाते हैं। कारखाने में बने लोहे को देश के सभी भागों में कई साधनों जैसे रेल ट्रैक आदि में भेजा जाता है। कारखाने में बड़ी बड़ी भट्टियाँ और मशीनें होती हैं। भट्टियों में लोहे को पिघलने वाली गर्मी होती है, तेज चलने वाली मशीनों से कंकड़ पत्थर भी उड़ते हैं तथा इन सब कुछ चलाने के लिए जो मजदूर होते हैं उनकी सुरक्षा भी जरूरी। कारखाने में आग लगने का भी खतरा होता है, मतलब जो कारखाने में कर्मचारी काम करते हैं उनकी सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। और वहाँ पे जो कारखाने हैं दुर्घटना होने की ज़्यादा संभावना भी रहती है, आग लगने की भी खतरा होता है। लोहे की कारखानों में धूल और धुआं के कण निकलते हैं जो आसपास के खेतों में जंगलों गाँव में उड़कर जाते हैं। कारखानों से निकलने वाले गंदे पानी से आसपास की फसल और मिट्टी भी खराब हो जाती है। लोहे को धुएं और धूल से कई बीमारियां हो सकती हैं। सरकार इन समस्या को निपटने के लिए नियम बनाए, कारखानों से हवा, पानी और ज़मीन गंदी ना हो इसके लिए इंतजाम किया जाए। तो इसीलिए जो कारखाने होते हैं वो अधिकतर ऐसे जगह में फैले होते हैं जहाँ पर खेती वेती ना हो, जंगल ना हो और वहाँ पे कोई गांव ना बसा हो, इस कारण से वहाँ पे कारखाने लगाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है।